गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.2। आपको मैंने 2.1 और 2.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया है और 2.2 एक्सरसाइज की भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। आपको पता है जब पॉलीनोमियल का जीरो पॉलीनोमियल बनाते तो हमको क्या प्रूव करना चाहिए? जीरो। 4u² + 8u = 0। ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन बन गई। नाउ फाइंड दिस सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो लेट अस कंसीडर 4a = 4, b = 8 एंड c = 0, बिकॉज c की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हम क्या लेंगे? 0। अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आपकी किताब बुक में क्या है, फॉर्मूले दे हैं। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले अल्फा और बीटा क्या करना है, फाइंड करना है। रूट अल्फा और बीटा फाइंड करना है। 4u² + 8u = 0। नाउ 4u विल बी कॉमन। वी हैव 4 एन यू, 1u + 4 2's are 8 एन यू इज हियर = 0। नाउ 4u = 0, देन u = 0, u इज अल्फा, रूट ऑफ अल्फा, एंड u + 2 = 0, u = -2, दैट इज बीटा। तो वी हैव वैल्यू ऑफ अल्फा = 0 एंड बीटा = -2। हाउ स्पीड एंड राइट ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट्स के लिए आपकी बुक में क्या है, फॉर्मूला है अल्फा और बीटा जो हमने रूट फाइंड करे हैं माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास भी पॉइंट थे, ये मैंने आपको नोट करवा दिए थे। अल्फा, वी हैव अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा 0 प्लस वैल्यू ऑफ बीटा -2 = -b। हमारे पास b क्या था क्वेश्चन में? b क्या था? b इज 8 माइनस 8 a is 4. 4 minus 2, 0 plus minus 2, minus 2 and minus 2. We have sum of root is equal to sum of root is equal therefore sum of root हमारा क्या होगा?
फाइंड आउट हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आपकी बुक में क्या एक फॉर्मूला दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वी हैव पुट द वैल्यू अल्फा, अल्फा इज जीरो एंड बीटा इज माइनस टू, सी सी इज जीरो एंड ए इज फोर जीरो, टू इंटू जीरो कर टू जीरो एंड डिवाइड फोर को जीरो टाइप डिवाइड देंगे तो जीरो जीरो इज कर टू जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू हेंस प्रूफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल। राइट डाउन दिस सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फाइव इज टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करनी है जैसे अपन क्वेश्चन में आपने करी थी, जीरो सॉल्यूशन फर्स्ट टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन ए इज वन एंड बी, यहां पे चेक करो बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास क्या है जीरो है क्योंकि बी हमारे पास दिया नहीं है और सी हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 15 माइनस 15। फर्स्ट हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है, इफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 15 था तो प्लस का 15 हो जाएगा। अगर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 तो टी इज प्लस माइनस अंडर रूट 15 बिकॉज स्क्वायर को हमने ब्रेक कराया है, टी इक्वल टू प्लस माइनस 15। वी हैव रूट अल्फा इक्वल टू प्लस 15 वन टाइम प्लस एंड बीटा इक्वल टू माइनस 15। वी हैव बिलो अल्फा एंड बीटा, अगेन सेम प्रोसेस, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पॉज वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा पुट द वैल्यू दिस फॉर्मूला, अल्फा वी हैव अल्फा प्लस का रूट 15 एंड बीटा माइनस का 15 इक्वल टू माइनस बी जीरो अपॉन ए वन। इक्वल टू वन माइनस प्लस रूट दैट इज जीरो एंड इसका डिवाइड क्या होगा जीरो, दिस सम इज सम ऑफ रूट इज इक्वल। सेकेंड टर्म प्रोडक्ट ऑफ
होता था अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा अल्फा इज रूट 15 पॉजिटिव इनटू माइनस रूट बीटा 15 एंड सी। वी हैव द वैल्यू ऑफ सी इक्वेशन माइनस 15 अपॉन ए इज 1। यू ऑलरेडी नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर रूट इज सेम डिजिट 15 इंटू 15 बिकॉज 15 इज स्क्वायर रूट। तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस 15 एंड इक्वल टू माइनस 15। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल या क्वेश्चन सॉल्व। Now this solution and write down your notebook. Thank you.